पंजाब के पटियाला में तनाव की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार दो अलग अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। यह टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ। एक संगठन ने पुलिस पर रोकने पर पथराव किया तो दूसरे ने पुलिस पर तलवार से जमकर हमला किया। पुलिस का कहना है कि दोनों संगठनों के पास जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्व फाइनल ईयर के छात्रों को अपनी डिग्री पूरी करने को लेकर एक मौका देने का फैसला किया है। इसके तहत ऐसे छात्र जो किसी कारणवश निर्धारित समय तक अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे वे अब दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई 2022 से 1 मई 2023 के बीच दो बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अगर आप गूगल यूजर्स हैं और अभी तक यहां अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए चिंतित थे तो आपके लिए राहत की खबर है। दरअसल गूगल ने अपनी मौजूदा पॉलिसी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन्हीं में से एक है गूगल सर्च रिजल्ट से अपनी निजी जानकारी को हटाने का अनुरोध करना। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी से जुड़े कई और अहम बदलाव 11 मई से लागू होंगे। उत्तर प्रदेश में 1 मई से ई पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है। पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर कर्मियों को उनका पैसा मिल जाएगा। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन में बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। रेलवे ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट करेगा। रेलवे ने टेंडर जारी करके बताया है कि ट्रेन को जल्द ही अपग्रेड किया जाएगा। जनता की आवाज़ न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।